आप सभी लोग अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। पहला मैं आपसे बात करूंगी कि सोलो ट्रैवलिंग क्या होती है, क्या आपको सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर आपका सोलो ट्रैवलिंग करने का मन है तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो आप जा सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो सारी चीज़ें सोलो ट्रैवलिंग में, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले यही आता है कि सोलो ट्रैवलिंग आखिरकार होती क्या है। तो सोलो ट्रैवलिंग ये होती है कि आपको अपने साथ ट्रैवल करना होता है, आपके साथ कोई भी नहीं होता, आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव, कोई भी नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और सिर्फ आप ही होते हो, उसे कहते हैं सोलो ट्रैवलिंग, यानी कि अकेले ट्रैवल करना, अपने साथ ट्रैवल करना। ठीक है, अब सोलो ट्रैवलिंग जो है आपको ज़रूर और ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, सभी को मेरे हिसाब से सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए। और सोलो ट्रैवलिंग करने की कोई भी एज नहीं होती है, अगर आप 18 प्लस हो तो मुझे लगता है इजीली आप सोलो ट्रैवलिंग वाला रूट आप ले सकते हो। इवन मैं तो खुद ही सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी किया है अपना बैचलर टाइम में भी, और अभी मैरिड हूँ स्टिल मैं करती रहती हूँ जो भी प्लेसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को टाइम नहीं है तो मुझे ही निकलना पड़ता है। तो सोलो ट्रैवलिंग सबको करनी चाहिए, कोई भी आपकी एज ग्रुप हो, कुछ भी हो, आपको ज़रूर 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 ट्रैवल करते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल करना शुरू करते हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आप क्या करते हो जब सोलो ट्रैवल के लिए जाते हो, आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें खुद से ही हैंडल करनी है। आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, आपको कैब बुकिंग करना है, आपको अपना फूड अरेंज करना है, रात का समय भी आपका ट्रैवल का होता है तो सारी चीज़ें हैंडल, अपना बैगेज वगैरह का ध्यान रखना, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्या होते हो, इंडिपेंडेंटली आप चीज़ें हैंडल करते हो और आप काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। क्योंकि घर में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे सपोज़ अगर आप बैचलर हो तो आपकी डिपेंडेंसी रहती है, पेरेंट्स पर रहती है या भाई बहनों पर रहती है, या फिर आप मैरिड हो तो हस्बैंड पर रहती है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहती है कि आप डिपेंडेंसी होती है, हर किसी की किसी ना किसी पर डिपेंडेंसी होती है, किसी किसी की फ्रेंड पर होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप सोलो ट्रैवल करना शुरू कर देते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हो और आपको सारी चीज़ें अपने आप मैनेज करना आ जाता है, अपना ख्याल रखना आ जाता है, आप अपने आप से पूछते हो कि आपको क्या खाना है, खुद ऑर्डर करते हो, खुद बिल पे करते हो, खुद होटल जाते हो, खुद सोते हो, खुद उठते हो, फिर नेक्स्ट डे खुद ही घूमने के लिए निकलते हो। तो ये तो चीज़ हुई कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। जब आप कोशिश करोगे सोलो ट्रैवलिंग का तो आप खुद फील करोगे, क्योंकि आपने क्या किया, सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली हैंडल की हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना फील करने वाले हो कि कितना ज़्यादा बूस्टअप हो गया है। जैसे आप इंडिया से ही ट्रैवल शुरू करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि चलो अब आउट ऑफ इंडिया भी एक्सप्लोर किया जाए, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए वो आपको तभी आएगा जब आप सोलो ट्रैवलिंग करोगे। क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आपको इंडिया का तो सारा आइडिया हो जाता है, फिर आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बिल्डअप हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, अब तो मैं इंडिया के बाहर भी इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। और एक बार जब आप इंडिया के बाहर चले जाओगे तो फिर आपको इंडिया के बाहर भी कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपना थर्ड और लास्ट पॉइंट। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अभी क्रिस्प रखूंगी और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो। क्योंकि वैसे क्या होता है कि आप किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, आप जैसे अभी रिलेटिव के साथ जाओ या फ्रेंड्स के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ, तो इन्वॉल्वमेंट इतना रहता है कि आपको अपने बारे में अपने से बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत सारा मौका मिलता है। तो आप अपने आप से जो चीज़ें आपको लगती हैं, आप जिस पे कन्फ्यूजन आपको होता है कि मैं ये करूं नहीं करूं, ये स्टडीज़ करूं वो स्टडीज़ करूं, या मुझे ऐसा करना चाहिए मुझे वैसा करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के जो आंसर्स हैं आपको सोलो ट्रैवलिंग में मिल जाते हैं। क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा समय होता है, आपके पास अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत अच्छा समय मिलता है, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से इस ड्यूरेशन में पहचान पाते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग आपको जिस जिस लेवल से पुकारते हैं आप अपने आप को वही समझते हो, आपको नहीं पता होता कि मैं दूसरे लोगों से कम्फर्टेबल हूँ बात करने में नहीं हूँ, या फिर मेरी फूड हैबिट्स क्या हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो वही ऑर्डर कर देते हैं, आप इजीली वो फूड खा लेते हो, आपको पसंद है नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें
आपको नहीं पता चल पाती है, लेकिन जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आप अपने साथ मी टाइम स्पेंड करते हो, अपने आप को और अच्छे से समझते हो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताते हो। तो ये तीन पॉइंट हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान पाते हो कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपकी सोच क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सोलो ट्रैवलिंग में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। देखिए, मैंने तो काफ़ी सोलो ट्रैवल किया है, तो यही है कि मैं तो आपको यही बोलूँगी, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपको ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है शुरू में, तो आप नियर बाय प्लेसेस देखिए। नियर बाय प्लेसेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको टॉप 10 प्लेसेस जो मैंने ऑलरेडी विजिट कर रखे हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी, और उन प्लेसेस में अगर आप विजिट करना चाहो तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही रहने वाला है। तो यही था आज का वीडियो, और इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में आप जानोगे कि कौन से वो प्लेसेस हैं जो सोलो ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैंने सारे प्लेसेस विजिट किए हुए हैं। मैं ये बैचलर टाइम में गई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने सोलो ट्रैवल किया हुआ है, और ये प्लेसेस मैंने इसीलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इन प्लेसेस की जो वाइब्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऑल ओवर इंडिया कवर करते हैं और इनकी जो वाइब्स है एकदम आपको डिफरेंट आएगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा और आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो बिल्टअप होना शुरू होगा। तो मेरा यही मानना है कि आप ट्रैवल करो, लेकिन ऐसा मत करो कि एक रीजन को पकड़ लो और उसी रीजन में आप घूमे जा रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपको जाना चाहिए इंडिया के, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर वाला देश है, और यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि राजस्थान का क्या कल्चर है, गुजरात का क्या कल्चर है, हिमाचल का क्या कल्चर है। तो सारे कल्चर में आपको जाना चाहिए, सब तरह के लोगों से मिलना चाहिए, सब तरह का फूड ट्राई करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने जो थॉट्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन से टॉप 10 प्लेसेस हैं जो मेरी लिस्ट में हैं जो सोलो ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। सोलो ट्रैवलिंग की शुरुआत कीजिए मथुरा वृंदावन से, उसके बाद निकल जाइए मुगल आर्किटेक्चर की तलाश में आगरा, नेक्स्ट ट्रिप प्लान कीजिए उत्तराखंड की और निकल जाइए ऋषिकेश की तरफ और राफ्टिंग कीजिए, उसके बाद जाइए मसूरी और वहां की खूबसूरत वादियों में खो जाइए। रॉयल राजस्थान को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपनी सोलो ट्रिप में, जैसलमेर और उदयपुर को अपनी इस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। हिमाचल तो सोलो ट्रैवलर्स की जान है, शिमला, मनाली और मैक्लोडगंज, ये प्लेसेस भूल कर भी मिस मत करिएगा। ये बहुत ही अच्छे प्लेसेस हैं और आपका बार बार जाने का मन करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोवा। गोवा एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, एक बार जाएं और बार बार जाएं। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।